कच्चे मकान के ध्वस्तीकरण को एसडीएम अमित शुक्ला ने 4 बार दिया आदेश, कानून को आज तक नहीं गिरवाया। कच्चा मकान कानून को सुरजबली बिंद एसडीएम के आदेश को किया नज़रअंदाज। मामला उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज थाना क्षेत्र के तेंदुहनी का है, जहां पर एक विवादित जमीन को लेकर दुर्गा प्रसाद मौर्य पुत्र तौलन निवासी तेंदुहनी का विवाद अपने ही पड़ोस के रामधनी पुत्र रामपति व कमलेश पुत्र रामधनी से कई वर्षों से विवाद चला रहा है। दुर्गा प्रसाद ने सन 2018 में विवादित जमीन को मुकदमे के दौरान अपने पक्ष में आदेश पाया, जिसमें न्यायालय के द्वारा यह आदेश दिया गया कि विपक्षी गण के विवादित जमीन में जो मकान बनवाया गया है उसको गिरा दिया जाए। न्यायालय के आदेश के अनुसार लेखपाल व कानून को पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और 2 मकान को गिरवा दिए, लेकिन रामपति पुत्र रामधनी निवासी तेंदुहनी ने प्रशासन के सामने विनती करते हुए कहा कि श्रीमान जी, मेरे कच्चे मकान में मेरा कुछ जरूरी सामान है, आप मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं इसे खाली करके स्वयं गिरा दूंगा, लेकिन आज 3 साल बीत गए लेकिन अभी तक कच्चा मकान खाली नहीं हुआ। इस बात को लेकर दुर्गा प्रसाद मौर्य ने एसडीएम लालगंज अमित शुक्ला को मकान को गिराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिसको एसडीएम लालगंज ने स्वीकार करते हुए मकान को गिराने को आदेशित किया। पहला आदेश 14 अगस्त 2021 को और दूसरा आदेश 20 अगस्त 2021 को, तीसरा आदेश 28 अगस्त 2021 को व चौथा आदेश 11 सितंबर 2021 को हर बार मकान गिराने के लिए आदेशित करते रहे, लेकिन ग्राम सभा तेंदुहनी के कानून को सरजूबली बिंद आस कल करते हुए टालते रहे, जिसके वजह से दुर्गा प्रसाद मौर्य महीने में 4 से 5 बार लालगंज तहसील का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। अब सवाल यह उठता है कि क्या कानून को एसडीएम से भी ऊपर है या फिर उसको अपने से उच्च अधिकारियों का डर नहीं। अब देखना यह है कि क्या उच्च अधिकारी किस कानून को रास्ते पर ले आ पाते हैं या खुद अपने आप का मजाक बनाना पसंद करेंगे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए श्याम बिहारी की खास रिपोर्ट। इस समय कितना दिन पहले आप तहसील गए थे? इस समय अभी हम कल भी गए थे। तो क्या आश्वासन मिला वहाँ? कल भी एसडीएम साहब ऑर्डर कर दिया है सर कि जाके तत्काल गिराया जाए था। तो अभी एसडीएम साहब यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं सर, नहीं। यहाँ का नेपाल कौन है? रमेश है, और एक नया आए हैं सर कानो गोई। कानो गोई का क्या नाम है? नाम नहीं जानते हैं। नेपाल का नाम क्या है? रमेश। रमेश, चलिए ठीक है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। फैसला कर सकती है, हम सब बोल रहे हैं सर। आपका नाम क्या है? राम अचल मौर्य जी, आप नोटिस मिला? राम अचल मौर्य जी, आप बताइए कि ये आप गांव के हैं? हाँ सर। आपको भली भांत पता है? सब पता है सर। जब ये जो मकान गिराया गया था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को पता है? बारे में सरकार बिल्कुल एकदम भीटा था जी, भीटा पर सरकार का आदेश था भीटा को साफ करा जाए, सब साफ किए, लेकिन वो जबरदस्ती फिर आदमी अधिकारी बोले कि सफा कर लेंगे, भूसा निकाल के ऐसे करेंगे, लेकिन सत्यता हम बात बोल रहे हैं जी। हमको किसी से लेना देना कुछ नहीं, अब कोई रंज होगा अगर तुम्हारा क्या उखाड़ेगा? जी 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 जी, सब बोले सामान है सर, निकाल लेंगे वो डाल लेंगे। बार बार अधिकारी थोड़ी आएंगे, एक बार आए पालन नहीं हुआ, फिर कह गया, फिर ये दौड़ते चक्कर लगाते 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 लगाते। ये कौन सा ग्राम सभा है? ये तेंदुहनी है। तेंदुहनी, चलिए जानकारी देने के लिए धन्यवाद भैया। आपका नाम क्या है? अंकल जी आपका क्या नाम है? रामदयाल। रामदयाल मौर्य, जो यहाँ पे ये विवाद चल रहा है, घर का विवाद चल रहा है, इसके बारे में आपको कुछ पता है? यहाँ जब ये कोर्ट से हम हैं और पता हमको नहीं, नहीं, नहीं सर जी, पता रहे, पता रहे, पता रहेगा। आप लोग उल्टा मत बोलिए। नहीं नहीं, अरे पता है, अभी तो क्या जानकारी है आप बताइए। आप सुनिए कहा, नहीं नहीं ऐसे पूछा जाता है, सुनिए क्या जानते हैं, बोलिए क्या जानते हैं। जब प्रधान जानते हैं कि ये जो मकान पता है, ये मकान आप देखिए कागजात उठा करके देखिए, आपके पास कोई लेखपाल या कोई का नहीं, वो है ना, तो आप देखिए मकान काश में है या बंजर में है? नहीं काश में है, मकान कागजात के निर्देश अनुसार काश में है, उसके चक में है। नहीं चक में है जी, नेपाल निर्देश दिया है कि वो मकान चक में बनाया गया है, को तभी तो आशा पर नहीं है ये नहीं, वो पीछे वाला, हम आगे वाले मकान की बात नहीं, हम आगे वाले मकान नहीं, हाँ आगे वाला बीटा पे जमीन बंजर है, ये सरकार की जमीन है जी, न तो हमारी है न तो आपकी है जी।
तो सरकार इस पर आदेश दिया, माने नोटिस जारी किया कि आप ये अपना मतलब जो है मकान या सर सामान जो भी हो अपना हटा लो। इसके बाद कानून गो आए, लेखपाल आए और अधिकारी आए, यहाँ पुलिस भी आई और आधा मकान उतारे, उसमें हटाया नहीं गया। अभी चार दिन के समय ले रहे हैं, चार दिन में हटाए ले, आज तक नहीं हटाए। अच्छा ये बताइए आप, चार दिन के समय ले रहे हैं, अब आपको क्या समस्या है? आपको किसी प्रकार की समस्या है, कोई जान का खतरा है क्या है बताइए? जी सर, हमें आज सुबह मतलब बोले हैं कि कल हम सुबह मर्डर करेंगे सर यहाँ पे। कौन बोला है, नाम क्या है? रामधनी कमलेश पूरी मेहरारू लोग बोली है सर। क्या बोली हैं? कि कल मर्डर होगी यहाँ पे। अच्छा, मतलब आपको किसी प्रकार की समस्या है? हाँ, जी सर। जान माल का खतरा? हाँ, है जी सर। आपका क्या नाम है? दुर्गा मौर्य। चलिए ठीक, जानकारी देने के लिए। हमारे बच्चे भी हैं, लगाइए लगाइए बच्चे पे, लगाइए बच्चे से भी पूछ लिया जाए। लोग कहते हैं मेरे पापा को कहते मार देंगे मर्डर। क्या नाम है तुम्हारे पापा का बेटा? दुर्गा शंकर। रूपा बताओ बेटा, एक मतलब कौन क्या बोल रहा था? मेरे दादाजी बोल रहे थे कि इन लोगों को मार दूंगा मर्डर। दादा का नाम क्या है? रामधनी। चलिए ठीक है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। चलिए सर से पूछिए, पहले लगा उनके आगे, पहले अब इसके आगे उनसे पूछो। जी आपका नाम क्या है? दुर्गा शंकर मौर्य। क्या यहाँ मामला है? मामला ये है सर कि ये पैखाना जो बनाए बनाने लगे तो हम लोग रोके कि तुम अपने पार बनाओ, हमारे पार तुम मत बनाओ। जमीन कैसी है? जमीन ये भीटा है, नीचे हमारा चक है। आपका चक है पीछे? हाँ। पीछे आपका कितना कितना कितने नंबर का चक है वो? दो बीघे का चक है, और चक के बाजू में ये सड़क है। सड़क ये भीटा पे है? हाँ, भीटा पे, भीटा पे है सर। ये सड़क भीटा पे है? सड़क पे बनाया गया। अच्छा, तो जब आप वो आवास बना रहे थे कि आप खुद का अपना मकान बनाए? आवास है सर ये मकान, जब गिर रहा अपना अपना मकान। हाँ, वही वही हमारा आवास है। और ये जो मकान गिर रहा था तो ये किसके निर्देशानुसार गिरा था? कोर्ट के उससे गिरा, मतलब गवर्नमेंट इस मकान को गिराया था? हाँ, गवर्नमेंट गिरवाया है। इसके बाद आप तहसील में गए तो अधिकारी क्या आश्वासन दिए? ये बोले कि फिर हम गिरवा देंगे, फिर अब गिरवा दे रहे हैं, अब गिरवा दे रहे हैं, इसी धते पर लिए हैं हमें। अभी तक गिरा नहीं? अभी तक गिरा नहीं? नहीं, आपको रास्ता नहीं है निकलने के? नहीं, हमें रास्ता नहीं है निकलने के लिए। अच्छा, तो आपके ही पार में जमीन में मकान बनाया गया? हाँ जी सर। तो आप जब SDM साहब को एप्लीकेशन दिए तो वहाँ से आश्वासन मिला, लेखपाल कानोगो को कुछ निर्देश दिए? हाँ, वो लोग बोल रहे हैं कि गिरवा दे, दो दिन चार दिन में पाँच दिन में गिरवा दे रहे हैं, यही वो लोग बोल रहे हैं सर, हमें फंसाए हैं। आपको एप्लीकेशन आप दिए थे तो आपको रिसीविंग मिली है? सर हमारे पास उसकी नकल है। आपके पास नकल है? हाँ, नकल है। SDM सर फरमाइश किए हैं अपने का? हाँ। अच्छा, चलिए अंकल जी से पूछिए। धन्यवाद। ये हम बता रहे हैं, जब पूछा परिचय, आपका नाम क्या है? मौर्य मेरा नाम है जी। ग्राम तेंदुहनी से जी 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 ग्राम सभा है जी। एक मेरा मकान, हम लोग नाबालिग थे जी, तब ये मकान बनाया गया था जी। सन 1990 में चकबंदी हुई जी। पहले हिस्सेदारी चलती थी जी, जैसे हमारे दादा के तीन लड़के थे। चकबंदी के बाद चकबंदी हुआ था? सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए सर पूरी पूरी, मैं कहानी बता दे रहा हूँ आपको जी। बताइए बताइए। तो ये जो मकान है हमारा, इसके पीछे मेरी जमीन थी ठीक। उस समय के प्रधान आए बंटवारा करने के लिए, तो यहाँ हमारी जमीन थी पीछे, तो यहाँ हमको दे दिए, यहाँ तू अपना घर मकान बना के रहो। हाँ। इसके बगल में इनको दे दिए जी, उसके बगल में दूसरे को दे दिए, किसी और को दे किसी और को दे दिए जी। तालाब था तो किस माध्यम से प्रधान जी आपको जमीन दिए? वो तो प्रधान का प्रधान। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, आपका जमीन दिया गया था आपको दिया गया था? मेरी जमीन थी। तो अब जमीन आपकी कहाँ है? अब जमीन हमारी बगल में चली गई है। आपकी जमीन उधर चली गई? 16 बिस्सा हमारा खाते की जमीन नहीं है। इधर आपकी जमीन नहीं है? यहाँ से नहीं है सर, अब यहाँ से। फिर यहाँ आपकी जमीन नहीं है तो फिर शौचालय किस आधार पे आप बनवाए हैं जी? जैसे आपकी जमीन इधर नहीं है तो आप शौचालय किस आधार पे आप बनवाए हैं? जैसे तो आपको भी बोलना चाहिए कि मेरी जमीन नहीं है, ये लफड़ा में आप शौचालय बन रहा है तो कल के लिए मुझे दिक्कत हो सकती है। लफड़ा नहीं था मैडम? क्यों लफड़ा की आपको जानकारी है कि मेरी जमीन उड़ गई है? इस चक से मेरी जमीन नहीं है तो आपको ये आपको जानकारी था तो फिर आपको पर शौचालय नहीं बनवाना चाहिए था? प्रधान के कहने से हम बनवाए, मतलब प्रधान तो ऐसे किसी को जगह पर बोल देंगे, तो बता देंगे कि हम यहाँ पे बना देंगे, लेकिन आपको जानना चाहिए कि मेरी जमीन यहाँ नहीं। लीगल अनलीगल में अपने को तो लीगल मानवता के आधार पर ठीक है सर। हाँ प्रधान जी, मानवता के आधार पर बनी है प्रधान जी को। प्रधान जी आप, प्रधान जी से पूछना चाहते हैं, प्रधान जी आप बताइए कि मानवता में दोनों भाई में आप विवाद कराना चाहते हैं? आप भी बताइए। हम नहीं, नहीं तो आप ये कैसे करें मानवता, इसमें आप बताइए मानवता किस
मकान होता है यहाँ नहीं रहते। आज ये भाई भाई का लड़ाई है भाई, ये जो था शौचालय बनवा दे, किस चीज़ का नहीं बनवाना चाहिए? हाँ तो ये लीगल है कि नहीं, ये लीगल है कि नॉन लीगल है? के नाते जो है प्रधान दे देते थे, चलो 10 बिस्सा का है, 3 बिस्सा ले लो, 3 बिस्सा हाँ 3 बिस्सा ले लो। तो सर यहाँ घर बनाए प्रधान जी, हम आपके प्रधान जी खड़े होइए, प्रधान जी खड़े होइए। इनको जो है जब शौचालय जवाब दीजिए पहले, जमीन नहीं था तो बनवाना। अच्छा प्रधान जी जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि जब पिछले वाले हिस्सा में इनका जमीन है, दूसरे का नंबर है, आगे भीटा है, तो उसके आगे जो ये जमीन घर बनाया गया है, इसके लिए कोर्ट निर्देश दिया था, कोर्ट के निर्देशानुसार गिराया भी गया है, तो इसके ये शौचालय कब बना गया है? 3 साल हो गया सर। 3 वर्ष हो गया, 18 3 वर्ष। आप सुनिए एक मिनट, आप इसे सर 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 के पास बैठ जाओ, सर के पास लगाओ। ये शौचालय आपका 3 वर्ष बने हुए हो गया, 3 वर्ष के पहले आपको पता था कि जमीन मेरी कहाँ पे है? नहीं, नहीं तो विवाद थाना लालगंज जिला मिर्जापुर। चाचा जी ये बताइए एक मिनट मैम, चाचा जी बताइए जब आपका ये शौचालय 2019 में निर्माण हुआ था 18 में, तो 18 में जब निर्माण हुआ था तो ये आपको पता था कि मेरी जमीन यहाँ पे है? ऐसा बात है सर, हाँ, कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। ये जमीन इस नंबर से कोई वास्ता नहीं है, ये अलग नंबर था, इसलिए प्रधान बोले कि तुम यही बना लो, चक से कोई मतलब नहीं है, पीछे नाली है, और नाली के नाली आज है मौके पे? हाँ, जी है, नाली मौके पे है, ठीक। आप हाँ, अगर आपका चक किस तरफ है अंकल जी इस समय? मौके पे चक है हमारा, आपका सड़क के, सड़क के पश्चिम है, सड़क के पश्चिम, तो सड़क के पूर्व आप किस आधार पे आप बनवाए हैं? आज आज का नहीं बना है। हाँ, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, आज 40 साल घर बनाए हो गया, 40 साल घर बनाए, 40 साल हाँ, और इसके बाद कोई विवाद नहीं था। ये हम लोग 3 भाई थे जी, सुने हैं, 3 भाई थे, और तीनों भाइयों का 3 हिस्सा बंटवारा हुआ जी। 40 साल पहले बंटवारा हुआ था, उसके बाद हुआ है? नहीं नहीं, उसके बंटवारा कितने वर्ष हुआ हुए? पिताजी हमारे जी रहे थे तभी हुआ था, तभी हुआ था, जब से हमारे पिताजी जी है जी 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 जी, और तब से हम इस जमीन को बोए जोते और ये मकान बनाए। तो हम ये कहना चाहते हैं अंकल जी, बताइए जब बंटवारा हुआ था तो इनका चक जमीन कैसे पीछे हो गया? वो चकबंदी में फेर, चकबंदी में फेर बदल हुआ, चकबंदी में राइट बता रहे हैं, चकबंदी में जब फेर बदल हुआ तो ये आपको पूर्ण रूप से पता हो जाना चाहिए कि अब मेरा जमीन जहाँ है मैं वहाँ पे रहना चाहिए। घर बना रहा था, हम कैसे उधार लिए? तभी तो कोर्ट से निर्देश आया सर आपका घर गिराने के लिए। मैं बोल रहा हूँ, कोर्ट से निर्देश आता है, उसको सूचना दिया जाता है, यहाँ कोई किसी सूचना नहीं दिया जाता, दिया जाता है, नोटिस नहीं दिया जाता है, नोटिस आया है, नोटिस आया है, ना नोटिस हमको मिली है, बंद करिए, आइए इधर आओ, इधर आओ, ना नोट कोर्ट का, ये बताओ कि जब ये घर गिराया जा रहा था तो कोर्ट से कोई निर्देश आया था? 6 महीने पहले नोटिस इन लोगों को आया था सर, नोटिस जारी हुई है, तीनों को नोटिस मिला है, इसके बाद जुर्माना भी और लोग भरे हैं, ये लोग जुर्माना भी नहीं भरे हैं सर। अच्छा मतलब कोर्ट से निर्देश आया था, नोटिस की कॉपी लिए हैं आप? हाँ।